I think question number 11, I'm going to read through. Kya figures hain? Equivalent units ka table. Five zero. What is the? Four double eight. 48, four. Four double eight. 48. 48. Your next one's going to ask. ये वैसे तो complete है ना यार आप लोग. मसला तो नहीं है. Yes, sir. Per units. 40, 20. 15. 16. ये सर आपके अपने. ये सर जी cost allocation करवा देंगे. नहीं opening balance रहा है इसे क्या. Word सही कर रहा है. नहीं वो ठीक है लेकिन. Word सही नहीं है. एकदम opening से नहीं शुरू करना है. ये कुछ और चीज है. यहाँ से शुरू करना. अब cost allocation करते हैं. Yes, sir. तो cost allocation करने के लिए. Process three वाले units पे. Closing पे और normal gain की amount पे अपडेट करना. तो process three के units कितने हैं? 48,000. तो इसको तो सही तरतीब रखने इसकी. हाँ इसमें से जो 2000 units हैं उनके. वो opening से बने हैं. Opening से बने हैं. लेकिन अब ये 2000 मैंने जो लिखा है output के तौर पे लिखा है. लेकिन इस output की पिछले period तक. 128, 750 cost आ चुकी थी. लेकिन इसमें क्या further कुछ add होगा? 400 material का. 20. और 800. Conversion का. ऐसे ही? ये बताइए कि figure तो बताओ. ये हो जाएगा 800. 8000. 12000. तो यहाँ तक सम करना. Sorry. पाजी कर दे यार. नहीं करना तो बता दिया करें.
148750 ये है 2000 यूनिट्स फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं लास्ट पीरियड में स्टार्ट हो गए उनकी टोटल कॉस्ट प्लस 46000 मल्टीप्लाई 25 3450 अब इन दोनों को कॉस्ट करेंगे तो 3598750 आउटपुट की टोटल कॉस्ट आ गई ठीक है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 5000 इंटू 40 3500 इंटू 20 एंड 2500 इंटू 15 2500 इंटू 15 30 7500 और फाइनली फिर गेन के अमाउंट का सर फाइव हंड्रेड इंटू सेवेंटी फाइव थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड अब ये बाई चांस जो ये फिगर है ना 37500 ये नॉर्मल लॉस चलो शुक्र बोलते 500 रुपये जाता है ठीक है और कंफ्यूज चलो क्वेश्चन नंबर 9 इधर फिर मन थोड़ा सा चलो इधर बात खत्म आज करने की कोशिश करते हैं एक और फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव से क्वेश्चन देखते हैं पिछला रिवाइज क्या सर पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना शुरू करो सर हीटिंग माने 9 केस लिमिट केस लिमिटेड अपडेट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स A and B to print order XP29. Following information pertains to department A and the line karo. Ab file sahi gadi rakhte hain ki har cheez hai la ke final of the month of December 2014 opening working process material 100% conversion 80% of the units liters mein uske niche ek do dots bane hue hain material direct labor overheads theek hai opening working process ki अमाउंट का ब्रेक कितने लीटर सर क्या लीटर्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता और क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप भी नजर आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे कैसे हो जाएगा दोनों के नाम है कोई मेरे भाई देन एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ मटेरियल direct labor and factory overheads are rupees in thousands so agar thousands par 20 ho to hum bhi thousands mein hi karna chahiye sab kuch thousands expected losses 5% closing work in process material and material units transferred to department B means output of department A गैस यूजेस फाइफो अब कल हमने फाइफो से किया मैं जरा आज वैसे दोनों से हो जाएगा yes, अब जरा मैं आज वेटेड एवरी से करूंगा फाइफो से होमवर्क में पहले तो लिख लेना होमवर्क फाइव डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस expected losses ye line under expected losses are identified
that the time of inspection which takes place at the end of process. बताएंगे स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के नहीं पूरे ड्राइंग क्लास के तरफ अभी इट्स मटेरियल आल्सो आइडेंटिफाइड द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन व्हिच टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस मटेरियल 100% लग गया वो तो शुरू में ही लग जाना था लेकिन लग रहा है कि अगर एंड ऑफ द प्रोसेस और कन्वर्जन भी 100% है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ही नहीं वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ये वर्ड जरा फाइनल करें एक वर्ड है स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन किस किस की दी हुई है ओपनिंग और क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है कितने के परसेंट वो कंप्लीट है 100% 80% 100% 80% क्लोजिंग भी इसी तरह अब ये क्या पढ़ा है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब लॉसेस आइडेंटिफाई यहाँ होता है तो कब होते हैं लॉसेस आइडेंटिफाई जब प्रोसेस एंड हो जाता है तो प्रोसेस अगर एंड हो जाता है तो मटेरियल तो वैसे ही शुरू में लग रहा है तो क्या कन्वर्जन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है अब ये वो था जो फाउल अगर एक सेकंड देख सके फाउल में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या थी एंड होने का सवाल उसका पॉइंट नंबर वन नीचे देखें ये नीचे पॉइंट नंबर वन है ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ऐसे तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ऊपर 50% कंप्लीट मटेरियल बिगनिंग में था मटेरियल यहां वैसे बिगनिंग में एक सेकंड जरा ऊपर है ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस का जहां उसने लिखा तो वह मटेरियल 100% और नीचे फिर मटेरियल 100% अगर ये ना भी लिखा हो तो बिगनिंग की वजह से ये मटेरियल लग गया होगा शुरू में लेकिन बार उसने स्पेसिफाई भी किया तो व्हाट इज द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन हियर लिखे ब्रैकेट में तो फिर आप एक्सपेक्टेड लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे एक 5% रेट दिया मैं एक्सपेक्टेड लॉस तक कैसे पहुंचूंगा ब्रेक वर्किंग करनी पड़ेगी नहीं नहीं मतलब ब्रेक वर्किंग करनी पड़ेगी एक्सपेक्टेड लॉसेस आर आइडेंटिफाइड एट टाइम ऑफ इंस्पेक्शन तो मुझे इंस्पेक्शन स्टेज पे आके चेक करना पड़ेगा मुझे क्या क्या ढूंढना पड़ेगा एक मिनट फाउल देखो फाउल का आंसर देखो मुझे चार चीजें बस ध्यान में रखनी वो फिर मैं वर्किंग करता हूँ ओपनिंग यूनिट्स इनपुट यूनिट्स क्लोजिंग यूनिट्स और इंस्पेक्शन स्टेज देख के फिर मैं डिसीजन लूंगा लॉसेस ही वक्त आइडेंटिफाई होता है ठीक है फाइनल आ जाए एक और चीज कुछ अर्सा पहले डिस्कस हुई थी काफी दिन से नहीं आई लास्ट टाइम पढ़ा ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक सेकंड ऊपर वापस जाए एक्चुअल वर्ड को अंडरलाइन हाईलाइट करा एक्चुअल मेरा ख्याल एक नजर रिवाइज ही कर ले हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर टू जरा अगर ढूंढ क्वेश्चन नंबर टू और उसका आंसर अगर देख सकते वैसे तो आंसर भी ठीक है मैम क्वेश्चन नंबर नहीं सिक्स इसलिए नहीं उसमें फिगर नहीं सर क्वेश्चन नंबर टू सर यकीन माने सर अल्लाह मान के देखिए नहीं सर इसमें कोई है रेट 240% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेकिन इसमें एक्चुअल भी है 65,000 नहीं एक सेकंड एक 65,000 ढूंढना है और एक है 240% ऑफ डायरेक्ट लेबर ढूंढना है दोनों ही नहीं मिले सर दोनों मिल गए सर अपना आंसर अगर देख सके डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट में आप अप्लाइड लिखते हैं या एक्चुअल लिखते हैं अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट पहले अप्लाइड रिकॉर्ड किया जाता है
और फिर एक्चुअल कहाँ लिखा जाता है ये भी ढूंढे, उसमें लेजर बनाया गया है। उसी उसी सवाल में इफेक्टिव रेट का लेजर बना हुआ। तो अगर अप्लाइड डेट्स अवेलेबल हो तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ अप्लाइड वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, और फिर एक्चुअल की डबल एंट्री ढूंढ के बोले सही, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन हो। अब इस सवाल में देखें, इस सवाल में देखें एंड में क्या गिवन है, एक अप्लाइड डेट गिवन है, इसकी बेस पे पहले हम ओवरहेड्स चार्ज कर देंगे, और ऊपर क्या गिवन है, ऊपर क्या गिवन है, एक्चुअल गिवन है। तो ये एक्चुअल अब वर्क इन प्रोसेस के लेजर में नहीं आएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में आएगा। अब वो पता नहीं बनाना या नहीं बनाना, नहीं जाने रिक्वायरमेंट। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल मांग रहा, आगे क्या मांग रहा, मेरा ख्याल सिर्फ आउटपुट की कॉस्ट मांग रहा, लेकिन फिर एक नई चीज मांग रहा है, अकाउंटिंग एंट्रीज। लेकिन ये शायद महसूस होगा नई चीज है, ये शायद बहुत पुरानी चीज इसलिए है। जरा अपना कल वाले क्वेश्चन का एक सेकंड प्रोसेस अकाउंट देखा, तो कल बना रहे सर जी, वाइंड अप करें सर, लेट्स फिनिश द स्टोरी सर, एक ही बात। अब ये जो हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया हुआ है, क्या आपको नजर आ रहा है, ये एक लेजर में डबल एंट्रीज पोस्ट हुई हुई है, तो कई डेबिट क्रेडिट एंट्रीज ही नहीं हुई हुई। तो आज हमने शायद लेजर नहीं बनाना, एग्जामिनर ने हमसे डबल एंट्रीज मांगनी है, तो सिंपली इट मींस जो लेजर में चीजें आनी है उसको हमने डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक पहली फिगर वहीं देख ली जाए कल वाली, डिपार्टमेंट वन से जो फिगर आनी इसका क्या करेंगे, डिपार्टमेंट टू डेबिट, डिपार्टमेंट वन क्रेडिट, डिपार्टमेंट टू डेबिट मटीरियल क्रेडिट, डिपार्टमेंट टू डेबिट लेबर ओवरहेड्स क्रेडिट। तो यकीन हम अपनी आसानी के लिए कोई लेजर बना तो लेंगे, लेकिन वो आप वर्किंग से बनाएंगे, तो वो फिगर्स लेजर के अंदर है, उन्हीं की अकाउंटिंग एंट्रीज हमने लिखी है। तो आए जरा एक दफा ये भी प्रैक्टिस हो गई, फर्स्ट टू पेजेस छोड़ो, प्रोसेस अकाउंट रिक्वायर्ड हो या ना हो, ये अपने वर्किंग्स में बनानी बनाना, इसके बगैर मान ली मुश्किल हो जाएगा। तो बाय द न्यू फ्रेंड, अच्छा लग रहा है, लेजर बना पाऊंगा सारा सवाल मैं जिससे भी पूछूं, आपका नाम पहले है, मैं लूंगा ये नाम स्टार्ट नहीं सर जी, बस आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए बस काम। प्रोसेस अकाउंट किस डिपार्टमेंट का सर, ए जी सर, प्रोडक्ट 15,000 अमाउंट फाइनल करें सर जी, ऊपर फीस इन 1000 लिखे हुए, पेज इन थाउजेंड्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे करते नहीं, करते नहीं, डेबिट साइड पूरी करो।
7125 का ब्रेकअप है 5000 तो 125 120 liters 36,240 direct labor 4224 और सर ये एक्चुअल लिखने यार जाने दे सर और जाने दे यार क्या होगी एक ही बात बार बार ही है वो गिवन है सीधा लिखा हुआ है सबको याद है सर अच्छा एक दो सेंटेंस बोले क्या क्या अगर हो तो फिर क्या करना है बहुत से सवाल अगर आप दिन में पिछले कई दिनों से जो सवाल हम कर रहे हैं उसमें कोई अप्लाइड डेट ही नहीं है तो अगर अप्लाइड डेट ही नहीं है जो एक्चुअल है वो ही अप्लाइड है फिर तो इशू नहीं है लेकिन अगर क्या और क्या है तो फिर क्या लिखना है एक्चुअल और अप्लाइड डेट अवेलेबल है तो पहले अप्लाइड लिखना है अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो कैसे अप्लाइड डेट दिया हुआ इसका 80% या 60% इससे लिंक किया हुआ तो 14224 into 80% is equal to 11379 डबल एंट्री बोले प्रोसेस अकाउंट ले पे एक्चुअल एक्चुअल कितना नजर आ रहा है एक्चुअल नजर आ रहा है अंडर अप्लाइड है ये एंट्री करनी है सारी देन प्रोसेस टू जी जी ठीक है प्रोसेस बी के यूनिट्स हैं 1 टन क्लोजिंग के यूनिट्स हैं 17,000 नॉर्मल लॉस की वर्किंग करवानी परसेंटेज दी हुई नॉर्मल लॉस को इससे मल्टीप्लाई करनी है नहीं मल्टीप्लाई किससे करनी नीचे पड़े ना सर नहीं नहीं वो तो देखे ना वो तो स्टेट ऑफ इंस्पेक्शन है मतलब क्या करेंगे हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालेंगे नहीं नहीं इंस्पेक्टेड यूनिट्स तक पहुंचेंगे फिर रेट लगाएंगे तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स तक निकालने के लिए क्या करेंगे अच्छा ये वर्ड अब इंटरचेंजेबली आता रहेगा टेस्टेड वर्ड है कि इंस्पेक्टेड वर्ड है सेम है डिफरेंट है इंस्पेक्टेड इंस्पेक्शन टेस्टेड ये सेम वर्ड सर इसके लिए वर्किंग में इस लेजर के नीचे करा देते सोच के ढूंढने बस वही चार चीजें अब ये रिपीट होना बार बार अपनी यूनिट्स से 13,000 स्टेज ऑफ क्या बोलूं वर्ड स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100% कन्वर्जन कॉस्ट 80% इनपुट यूनिट्स 120 क्लोजिंग यूनिट्स अब इन दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है सेम दी हुई है लेकिन बहरहाल कुछ चीजें ऐसी गलत ना ध्यान में आ जाए क्या ये वही यूनिट्स हैं जो साल पीरियड के शुरू में थे वही एंड में खड़े पहले ओपनिंग वाले कंप्लीट हुए होंगे ये फिर कोई नए यूनिट्स हैं जो फिर उसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे आ गए ऐसे ही कुछ बने भी हैं क्या तो कहां से बने होंगे बड़े सिमिलर वर्ड्स हैं इंस्पेक्शन टेस्टिंग इंस्पेक्शन स्टेज पे टेस्टिंग होती है सॉरी जी सर स्टेज ऑफ क्या ढूंढो आप स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ढूंढे लिखे
और खुद से जरा डिसीजन लिया, कुछ समझ आता है? देखा था इंस्पेक्टेड यूनिट्स होना, देख ले तसल्ली से, देखें कि आपके ख्याल में वो जो गेम पिछले एक दो दिनों में चली है क्या ओपनिंग इंस्पेक्ट हुआ हो गया था या हमारे पीरियड में हुआ होगा? वजह क्योंकि वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पीछे था, इसलिए पीरियड में इसकी इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि इंस्पेक्शन होती कब है? इंस्पेक्शन होती कब है? जब प्रोसेस 100% कंप्लीट होता है, तो प्रोसेस तो उनके एंगल से भी 100% कंप्लीट हुआ ही नहीं था। उनके ओपनिंग यूनिट्स खड़े किस स्टेज पे है, ठीक है मटीरियल लग गया, लेकिन अभी 80% स्टेज पे थे किस वक्त? ले फाइनल डिसीजन, फिर अगला फैसला क्या करना होता? नहीं, फिर लास्ट डिसीजन ये लेना था कि क्लोजिंग यूनिट्स का क्या बना। तो आप वो फैसला करें, आप सोच लो, बस ये डिसीजन लेना कर ले। आप एक वर्किंग करते, मेरे समझ आ रहेगा क्या करना चाह रहे हैं, एक आंसर निकालो। सही कह रहा है यार, 5% मल्टीप्लाई कर दिया ना उसने यार, क्या हो गया? अपना पता करेंगे, आपका भी कोई आ जाएगा। सही कह रहा है, गरीबी है, क्या हो गुस्से से क्या देख रहे हो? ये 59 ये 15,000 क्यों था? बोल दे, फाउल में तो नहीं उठाए थे, वो फाउल था, ये वो 15,000 क्यों उठा रहे हैं? क्यों उठा रहे हैं सर? हमारे पीरियड में ही टेस्ट हुए होंगे, वजह वजह सर वजह तो प्लस क्या करूं? 120 मैंने प्लस कर दी है, 120 प्लस करके बस ब्रैकेट क्लोज करके 5% माइनस 17 क्यों? ये 17 अभी टेस्ट नहीं हुए, ये भी टेस्टेड स्टेज तक ही नहीं पहुंचे, ये टेस्टिंग इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे। ये ठीक है बेटा, क्लियर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 59 ये बेटा, हमारे पीरियड में नहीं हुए, डेफिनेटली नेक्स्ट पीरियड में होंगे। एनी कंफ्यूजन सर? चले सर जी, बाइंड अप करेंगे, उठाएं से कहां उठाएंगे? नॉर्मल लॉस के सामने एक्सपेक्टेड लॉस होता है, एक्चुअल लॉस होता है। बस कर दें सारा, बोला करें यार, कैसा बोला करें यार, क्या हो गया आप लोग? ये 110 ये मैं सही कर देता हूँ, कितना? सर कितने यूनिट है? 110 ही है ना? मैं सही कर लेता हूँ। नॉर्मल लॉस 5900, लेजर बैलेंस करें। करें करें करें, फाइनल यार, सॉरी पीछे रह रहा हूँ आपसे।
5900, 2100, किस तरफ है? क्या ये स्पीड अप हो जाए, आप बता क्या करें? हाँ जी बिल्कुल ठीक, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ढूंढे थे, कहीं तो ढूंढे, कहीं होगी गिवन नहीं है, का मीनिंग क्या हुआ? इसके सामने आ गया डैश, अब कहाँ जाए? फर्स्ट पेज पे आ जाए, अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है ये, ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े साथ साथ प्लीज, ये फाइनल फिगर्स करें, मुझे टेबल बनवाना पड़ेगा। अच्छा मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी, कहेंगे बहुत से ज्यादा अपनी मर्जी के टाइम पे आते हैं जब उनका दिल करता है, तो प्रश्न में 5-4 लिखा हुआ है, वो होमवर्क है, मैं किससे करने लगा हूँ, वाइंड अप करें सर। जी बताएं जी कितने पर यूनिट निकलेंगे? प्रीवियस डिपार्टमेंट की गेम तो नहीं, बजा बजा, हम डिपार्टमेंट ए में है, मटेरियल के रुपीज ढूंढना, तेजी से चले सकते गेम खत्म कर, मटेरियल के रुपीस ये नहीं, नहीं आप लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स ये देख लें, इक्विवेलेंट यूनिट्स वहां बना ले, पर यूनिट दे बना, उसने इक्विवेलेंट पर यूनिट मांगा नहीं, तो ठीक है पर यूनिट वापस आ जाओ, मैं अपनी मैं एक सीक्वेंस में बना रहा हूँ, आप अपनी वर्क, मैंने कहा तो पिछले पेज पर चलो, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल एग्जामिनर ने रिक्वायर किया है, वहां बनाए पर यूनिट, यहाँ बना ले, कहीं बन जाएगा कोई गलत वाली बात भी नहीं है, वैसे कोई इतना भी डरने की जरूरत नहीं। जी डियर 36240, लेकिन क्या उसमें 5000 ऐड करेंगे इसमें? सर जी करेंगे यार, कन्वर्जन में टू वन टू फाइव प्लस 1424 एंड प्लस 1139, तो वाई ओपनिंग एज वेल वेटेड एवरेज है, इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉलम बनाए, कितने कॉलम बनते हैं इसमें? सेम नहीं डिफरेंट हो गया, कॉस्ट एलोकेशन कहाँ कहाँ होनी है? 1,10,000, तब नॉर्मल लॉस 2,100, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 17,000, जहां हो सके आप टाइम सेव करें। 110 यूनिट्स का कोई ब्रेकअप बनाऊ, कब बनाना होता है, कहाँ जरूरत नहीं पड़ती, बिस्मिल्लाह पढ़ने लगा अल्लाह मालिक, 110 जो ओपनिंग से बन रहे होंगे, जो ओपनिंग तक बने होंगे वो भी आगे, और जो बाकी कंप्लीट हुए हैं वो भी। अब नॉर्मल लॉस की गेम फाउल निकालने, फाउल का आंसर जल्दी से निकालें, हाँ जी बोल रहा है रिवाइज करके देख बताएं यहाँ क्या करना, फाउल 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 का टेबल टेबल देख के चले रिवाइज करें, बाकी क्वेश्चन भी ना देखें, शायद आपको टेबल देख के ही कुछ पता चलेगा। अब उसके नॉर्मल लॉस के सामने जरा एक मिनट, सॉरी जरा वो यूनिट जरा देख लगा, मटेरियल में 100% क्यों है? नहीं मटेरियल 100% शुरू में था, और बाकी 50 क्यों है? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की वजह थी, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से लॉस यूनिट आइडेंटिफाई हो रहे थे 50% पे, तो उसके बाद अगर आप लॉस आइडेंटिफाई कर लेंगे तो देर इज नो वे कि आप फर्दर उस पर खर्चा करेंगे, तो वहां 50% की हो गया था स्टेट ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से,
अब यहाँ इधर अब यहाँ 2100 दोनों में सेम क्यों है क्योंकि इंस्पेक्शन एंड में हो रही है इंस्पेक्शन एंड में हो रही है ठीक है भैया ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स और 17,000 जो अब हम ब्रेकअप बना रहे हैं ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन की वजह से बना रहे हैं ये काइंडली थोड़े अब फाइनल कर लो और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट 80% मींस 30,600 125,700 ठीक है जी देन सर जी अब इसकी बेस में अच्छा रुपीज थाउजेंड्स में राउंड ऑफ हुए हैं वैसे परेशान ना होइएगा ये जो रेट आएगा ये भी फिर थाउजेंड्स में पाएगा तो आने के मस्ती है जैसे भी आ रहा अब रुपीज राउंड ऑफ है और रेट राउंडेड थाउजेंड्स में आएगा तो मैक्सिमम कहां तक जाए दो डिजिट्स आगे जाके टाइम वेस्ट आएगा बाकी इमटेरियल डिफरेंसेज आते रहेंगे आने के थाउजेंड्स में आएंगे उससे फिर कोई बहस नहीं है डोंट वेस्ट योर टाइम इन इमटेरियल डिस्कशन सब बस सही राउंड ऑफ करने जो आता है ये मटेरियल पॉइंट ये 3-2 तो हम समथिंग हो जाएगा एंड 0.22 ठीक है यानी कि फिर गेम पड़ गई राउंडिंग ऑफ में फिर पड़ गई गेम ये तो नहीं आ रहा वो आ रहा है वो नहीं आ रहा ये आ रहा होगा टोटल 0.54 चलिए कॉस्ट एलोकेशन ये जी कर ले कंप्लीट कर ले वेटेड एवरेज के केस में अब आपने कहीं भी और नहीं देखना कॉस्ट एलोकेशन करते हो आपने सिर्फ इक्वल यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट देख abnormal loss 21 abnormal loss की जरूरत नहीं है वो ठीक है आपकी बात लेकिन आगे आगे पढ़े एंट्रीज भी तो करनी है एग्जामिनेशन हद तक मासूम नहीं है अभी देखिएगा जो नहीं उसने मांगा वो भी आ गया ठीक है आपकी बात ठीक है उसने बस मांगा यही है अकॉर्डिंग टू बी रिक्वायरमेंट आपका 59,400 आंसर है लेकिन अकॉर्डिंग टू द सी रिक्वायरमेंट क्या नॉर्मल लॉस की भी एंट्रीज होंगी सर जी सर सॉरी प्रोसेस भी है सर तो 2100 इंटू 0.54 ये ठीक है सर जजाकला सॉरी सर बताइएगा सर 1134 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 17,000 इंटू 0.32 एंड 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 0.22 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 0.22 इज इक्वल टू 8432
ठीक है बस इधर भी यही होगा पहले भी होता ये सर्टिफिकेट प्लेस कर दो सर फिगर्स प्लेस कर दे मीन 59400 1134 एंड 8432 तो आगे ना सर सर सारे चलते चलते ये बातें तो होती है रिपीट होती नहीं है बारह अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाँ वो मेरे ख्याल थोड़ा सा फर्क आएगा सर कितने तीन तीन के दाम 2 रुपीस तो वो बेस्ट छोड़े अब एग्जामिनर के एंगल से जरा काइंडली फाइनल करें एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या मांगा है एक ये इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर मीन 59400 ठीक है और अब एक पेज बच गया होगा खुली आपका तो उस पर अकाउंटिंग एंट्रीज में आ जाएगा लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज इज नॉट एट ऑल अ चैलेंज वो सब कुछ प्रोसेस अकाउंट में आना है और डेफिनेटली इस इंफॉर्मेशन में उसको हमने डेबिट कार्ड फॉर्म में लिखना तो इकट्ठे हैं सारे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज जी शाह साहब हमें भी अपने गांव में याद रखिएगा आप जहाँ भी हैं अल्लाह करे आप नाश्ता करने के बाद हमें भी अपने गांव में याद रख सकें ठीक है सर मैं वैसे समझा था कि एंजॉय बड़ा मैंने कहा नहीं लिखा हुआ आई एम एंजॉइंग द क्वेश्चन आगे पता चला फ्रेश फूड होम मेड फ्रेश फूड शाह साहब बाद में खा लीजिएगा गाड़ी पहले क्वेश्चन कर ये सारी एंट्रीज अच्छा एंट्रीज के लिए काइंडली जरा अगर हम पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ये लेजर देखा कर कुछ नजर आ रही है एंट्री हमें ब्रॉड डाउन की एंट्री बता दो तो सर जी डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन अल्हम्दुलिल्लाह हम छोड़ देंगे बाकी एक कंपाउंड एंट्री भी सोची जा सकती है प्रोसेस ए डेबिट मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट डेफिनेटली लेदा भी लिखा जा सकता है लेकिन इन तीनों का सम करके कंपाउंड एंट्री बन सकती है प्रोसेस अकाउंट डेबिट मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट राइट साइड देखें राइट साइड मींस राइट साइड प्रोसेस बी डेबिट प्रोसेस ए क्रेडिट एबनॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस ए क्रेडिट नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू नहीं है तो डेफिनेटली यूनिट्स की एंट्री नहीं होती अमाउंट है ही नहीं तो अमाउंट की एंट्री होती है वो इस वक्त है अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें वो भी पुरानी चीजें भी आएंगी जब नॉर्मल गेन जब नॉर्मल लॉस वो सारी जो पहले क्वेश्चन नंबर 1-2 में थी तो ये एंट्रीज है पहले ये कर दें उसके बाद फिर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए उसकी भी एंट्री हो सकती है और फिर अंडर और अप्लाइड की एंट्री आ जाएगी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ अब कैसे करनी है आप बता दें कंपाउंड कर लूँ या अलग अलग कर लूँ नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज एज सेपरेट एक्सपेंस एनीवे उस पर तो बल्कि कॉस्ट एलोकेट नहीं होती और रिकवरी वैल्यू क्योंकि उससे प्रोडक्शन कॉस्ट नेट होगा वही जो बचपन में होती थी हम जब आएगा अभी आ जाना मुझे लग रहा है फिर तक मैं वही दिखाता हूँ वही 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 इंशाल्लाह जी सर पहली एंट्री सर क्या ये भी आप बोर्ड से देखेंगे यस प्लीज देख के कम से कम लिख लीजिएगा प्रोसेस ए डेबिट अब डेफिनेटली प्रोसेस ए प्लीज बार बार शायद बात होगी वर्किंग प्रोसेस ए प्रोसेस ए डेबिट कंपाउंड कर दूं मटेरियल अब लेबर या फैक्ट्री पेरोल बड़े ज्यादा देगा फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज 36240 1422 4117 9 अप्लाइड हुआ है अभी टोटल हो गया 61843 हाँ जी रुपीज इन थाउजेंड्स एक लिखा
क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, प्रोसेस बी डेबिट, ये भी वैसे कंपाउंड बन सकती है नॉर्मल लॉस के साथ। प्रोसेस बी डेबिट 59,400, प्रोसेस ए क्रेडिट 59,400। अब नॉर्मल लॉस बनी, अब नॉर्मल लॉस डेबिट, अब नॉर्मल लॉस के सामने कॉस्ट है, सभी कॉस्ट है सर। अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट कहां से एलोकेट होगा, होती है सर, अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू होती तो इस लॉस से नेट होती। डन सर, डन करने का क्वेश्चन देखें, हम दो एंट्रीज करने की पोजीशन में और भी हैं। नहीं सबसे पहले एक्चुअल नहीं करना, एक्चुअल फिर अंडरवर्ड, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स है सर जी, एक्चुअल है सर, कहाँ है सर, कहाँ है एक्चुअल, कहाँ लिखा है एक्चुअल, एक्चुअल तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, सबके साथ लिखा हुआ सर, एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ। बाकी आपकी मर्जी है जो भी क्रेडिट करना, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट 11,500। नहीं वो तो अंडर ओवर अप्लाइड बाद में आएगा, ये भी तो रिकॉर्ड होगा, एक्चुअल आएगा तो अंडर ओवर अप्लाइड तो वो भी आ रहा भी। ये क्रेडिट करवाना सर, क्या एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट है तो दो तीन बोल देंगे वही ठीक है, मेरा ख्याल जो होगी फाइनल, आई मीन नए वर्ड्स ना यूज कर, वैसे तो मतलब कैश पेबल वगैरह भी लिख सकते हैं, लिख दो एक्सपेंसेस, दो तीन एक्सपेंसेस लिख, एक्सेट्रा लिख के बात, डेप्रिसिएशन रेंट एक्सेट्रा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट किस साइड पे आएगी फिगर, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में किस साइड पे आएगी। अब अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन ठीक है आसानी से भी लिया जा सकता है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि लेजर बना के ही करें, ऐसे ही गलती ना हो जाए डेबिट क्रेडिट लिखने में। एक्चुअल कॉस्ट करें, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, अप्लाइड की एंट्री बोलें, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, ये एंट्री तो ऊपर आपने करवाई नहीं, ये एंट्री तो आपने कर ली है पहले 1139, वो कंपाउंड में आ गई नहीं, ये पहले सर 121 डेबिट बैलेंस है। अब एक और जरा चीज रिवाइज कर देना, क्या करूँ उसका, तो ठीक है अंडर है या ओवर है, अंडर अप्लाइड है लेकिन इसका इसकी डबल एंट्री कैसे बनानी है, ये अंडर ओवर अप्लाइड कहाँ कहाँ चार्ज हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और कॉस्ट ऑफ सेल में भी, ढूंढने क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर ना हो तो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल लिख के डबल एंट्री बना देते हैं, डबल एंट्री बोले सर, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट, क्या खर्चा बढ़ा रहे हैं, क्यों, पहले कम चार्ज हुआ है, कम चार्ज, पेज नंबर 63 निकालो, ये आज बेटा जल्दी से सब इसलिए हो गया क्योंकि आपने किया बड़ी जल्दी है, वैसे तो आप पहले सवाल भी जल्दी कर लेते थे, मैं ही जरा स्लो चलता था। पेज नंबर 63, ये कोई ऑनलाइन स्टोर का बुक्स आ चुके हैं यार, ये बुक्स का कोई मसला रिजॉल्व है या अभी भी है, रिजॉल्व बुक्स का, अगर अभी भी कोई रह गया तो फिर अभी यार ये इधर रहेंगे दोबारा चेक कराते हैं, बस अब क्यों रह गए,
जी पेज नंबर 63 पे जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करो। देखो मैं फिर अब चेक कराता हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आई। अब तो मेरे भेजे भी मेरे को लग रहा है कई दिन हो गए। जी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 बस रिमेनिंग टाइम में खत्म होना चाहिए। पढ़े क्वेश्चन पूरा पढ़ना। ये सिंपल है सर, शुरू करो। आपके सामने क्या मुश्किल है? इक्वालिटी केमिकल्स प्रोड्यूसेस वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू टू प्रोसेसेस। A and B. Following information has been extracted from the records of process A for the month of January 2016. Opening work in process input transfer to process B. Closing work in process. Materials are introduced at the beginning of the process. In respect of conversion, opening and closing work in process are 40 and 60% complete. Inspection is performed by the units at 50% complete. Expected rejection is estimated 5% of the inspected units. The rejected units are not processed and sold at 100. Weighted average method. Equivalent units are per unit. And prepare general entries report all the above transactions. Idea अब आपको हो गया, space देखने कितनी चाहिए। लेकिन process account बना के कर। हाँ बराबर, definitely process account थोड़ा speed से बनना चाहिए। kindly start करें। ये सही सब सॉरी पाँच मैं पेज नंबर बताना भूल गया, पेज नंबर 63 है सर। प्रोसेस ए ही है इस केस में। करेक्ट करेगा Thank you.
रहीम साहब जान दोबारा करें यार। नहीं तीनों ना करें बस, बस ये गलती है। अब मुझे आंसर बताएं, मुझे समझ आ रहा है, मुझे एक वर्ड से आपको खतरा महसूस हुआ। हाँ करिए ना, नहीं मुझे लॉस की यूनिट्स बताना। लॉस यूनिट्स टू पर ये तीनों नहीं हो बैठ, ये क्लोजिंग भी इनपुट के अंदर होते हैं। तो अब ये बस वो फिर प्लस ना, वो इनपुट से ही निकले। कन्वर्जन 40 करें 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 ये ठीक है जी। 1250 सही है। ये गेन आ रहा है 250 का नॉर्मल गेन आ रहा है इंस्पेक्शन स्टेज के। मटेरियल 100% एंड कन्वर्जन 50%। बिगिनिंग में ऐड हो रहा है यार, बस कर ही दे। मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और अगर ना भी लिखा हो तो आगे वैसे भी उसे कन्वर्जन के बताएंगे, रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कंप्लीट तो है लेकिन इंस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन भी तो है सही। अगर पहला सेंटेंस ना भी होता मटेरियल्स आर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस तब भी क्या लेते हैं है? तब भी 100% ही लेते हैं क्योंकि लिखा हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन 60 40 60 तो कंप्लीट तो है लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन। जी सर कितने निकाला लॉस? लॉस यूनिट्स 5000 को क्यों ले रहा हूँ? हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे, नहीं थोड़े इस बात को इस तरह सोचें, हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे। 20,000 में से 6,000 माइनस क्यों ना करूं? ये भी इंस्पेक्ट हो गए इस तरह से, ये सेंटेंस ठीक है मरा। 20,000 में से 6,000 माइनस क्यों ना करूं? क्योंकि ये भी इंस्पेक्ट हो गए। 5% 150 ठीक है सर। ये जो 6,000 यूनिट्स हैं क्लोजिंग पे, ये भी इंस्पेक्शन स्टेज से आगे चले गए, 50% आगे निकल गए। ये नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं 1 to 5 0। एक्चुअल लॉस बताएगा भाई? यस सर 1000। एक्चुअल लॉस 1000 कैसे ही यार? एक्सपेक्टेड था 1250 और 250 नहीं हुआ।
You know, it's okay, it's okay. बेटा तलाली क्या कर रहा है यार, ना टाइम पे आप आते हैं ना क्लास लेते हैं, लगे हुए क्लोजिंग माइनस क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वह तलाश वो इसलिए नहीं हुआ, जाने दे गुस्सा तलाशा, हमने भी कसम उठा ली कि कभी भी हम कोई टाइम पे नहीं करना। उनकी इंस्पेक्शन हो गई भी जी सर, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस गिवन है, लेकिन इसमें जज्बाती ना हो जाइएगा, रुपीज इन थाउजेंड्स में गेम चल रही है तो नीचे 100 रुपया तो लिख लिया आपने, 125 रह जाना है, हो गए जज्बाती, 1,25,000 पूरा लिख लिए, तो इंटू 100 करके अब इतना तो खर्चा नहीं हुआ, इतनी रिकवरी वैल्यू, अब रुपीज इन थाउजेंड्स में गेम तो इंटू 100 करके 125,000 आ रहा है, तो ये सिर्फ 125 रह जाना, ठीक है, 1,25,000 ऊपर थाउजेंड में हो गया, 125 ओके सर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल मेथड बताया ना, करें जी इसी से करें, ये प्लीज 125 बट ओके, ये 125 रिकवरी वैल्यू, यात्रा कितना है पूरा 125,000 आ रहा है, लेकिन थाउजेंड में बेटा 125 आ जाएगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल रिक्वायर्ड है वैसे, अच्छा ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखें यार कि कहाँ बनाना है, बस पेज पे बनाना है, ये चॉइस आपकी है, ये मेरी बहस नहीं है। इक्विवेलेंट यूनिट्स पर यूनिट प्रोसेस ए ही है, वेटेड एवरेज से है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ तो ब्रेकअप है सर, जान वहीं से तो टोटल किया जाने दें यार, सेम किया काम, देख वर्किंग में करने वो डायरेक्ट देख लो, नहीं नहीं वो तो टेबल में आपका है, मैं तो मटेरियल में लिखा हूँ, अमाउंट का ब्रेकअप है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि गेम की वजह से ये रिकवरी पहले काम आने लगी है सर, अब एंट्रीज में आने लगी तो वो हो गई है, अभी आप देखिएगा बहुत काफी दिन हो गए हैं कि ये एबनॉर्मल गेन, एक तो कल आया ना और अब काफी दिनों बाद एंट्रीज आ गई है, बड़े अरसे बाद वही होना सारा आगे में, वही भूला बिसरा फिर वो इकट्ठा हो गया फाइनल आ गया, लेजर में नेटिंग हो रही है क्या मतलब, खतरनाक सवाल लग रहा है तो यार हमेशा नेटिंग होती है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो और पूछ वो क्वेश्चन नंबर 1-2 की बातें से आती हैं, ये सारी रिकवरी वैल्यू कहाँ से लेस करो, और जाने दें यार कल पास कल प्रीवियस प्रोसेस से करवाया, ठीक है ठीक है इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल सर, ये सर सब ठीक है चलते रहे, मटेरियल कन्वर्जन, मटेरियल कन्वर्जन प्रोसेस बी 18,000, नो नीड ऑफ एनी ब्रेकअप, फाइफो थोड़ा सा चैलेंजिंग ज्यादा है वैसे, वेटेड एवरेज कंपैरेटिवली सिंपल है 6,000,
अबनॉर्मल गेन 250 कर दें, बातें सारी हो चुकी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैसे लिखूं, 6000 और 3600 चल रहा है सर। और 250 कैसे लिखूं, एज इट इज ब्रैकेट, एज इट इज जस्ट ऑफ दैट 2375 देखिए जो गेन के यूनिट्स है ना, एक ठंडे दिल से सोचते हैं, गेन के यूनिट्स आप उठा के नहीं फेंकेंगे, गेन के यूनिट्स को आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के पूरा करेंगे, लॉस के यूनिट्स आप वहीं रोक लेंगे। अगर यहाँ लॉस होता तो मुझे कितना लिखवाते आप, 50% कंप्लीट है, लेकिन गेन के यूनिट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के हम पूरा करेंगे। नहीं तो हर नई चीज सर, इनिशियली इस टॉपिक का आई होप इस वक्त लेसन ये है, सबक ये है कि हर नई चीज शुरू में मुश्किल होती है और करने से ही ऐसा ऐसा चीजें आसान होती चली जाती है। तो क्या कौन सी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं करूंगा, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इंशाल्लाह, रब की मदद के साथ गेम ऐसा ऐसा आगे बढ़ती चली जाती है। तो आई होप कि ये बात अब सिंपल महसूस होना शुरू होगी। ये पर यूनिट सर, और मोहसिन साहब हलवे के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखे मेरे भाई, हलवा लग रहा है, लगे लेकिन बादल जो हो रहा है उस पर रब का शुक्रिया अदा होना चाहिए। 0.53, 0.34, लेकिन आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ये हलवे ठीक करता हूँ मैं। 0.87 फर्स्ट एलोकेशन सर वाइंड अप करें, एंट्रीज करनी है, एंट्रीज में 5 सेकंड चाहिए मुझे, फर्स्ट एलोकेशन पे पहुंचे। ये आप देख रहे हैं, फर्स्ट एलोकेशन इज एज सच नॉट रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर, लेकिन वो जरूरत पड़नी है इन एंट्रीज, अपने एग्जामिनर को आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये सही है फिगर, पर यूनिट सही का नहीं, 15.66। अच्छा रेट ऑटोमेटिकली जब आपने 1000 में राउंड अप किया तो फिगर फिर थाउजेंड्स में ही आ रही है। प्रोसेस बी के बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 6000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.53 3600 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.34 4404 यस सर 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.87 21 217 या 8 8 होंगे, 8 होंगे। ये कटे हो जाए एंट्रीज करनी, नहीं कंफ्यूजन नहीं फिक्स। अकाउंटिंग एंट्रीज कैडिंग लिखे सर, रेडी
अच्छा इसमें वो लॉसेस रिवाइज होने, नॉर्मल लॉस, रिकवरी वैल्यूज, एक्चुअल लॉस, सीरियस लीजिएगा इस बेस पे। रेडी है, स्टार्ट करो। लेजर देख के मैं तो नीचे एंट्रीज कर रहा हूँ। डेबिट साइड पे जो पहले नजर आ रहा है सीधा वो तो लिख दो। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, प्रोसेस ए डेबिट, तो आप कभी भी शायद इस पोजीशन में नहीं आ सकेंगे कि बगैर लेजर बनाए एंट्री लिख दें कि आपको क्रेडिट साइड की अमाउंट्स चाहिए होंगी एंट्रीज के लिए। क्या क्रेडिट साइड की अमाउंट्स चाहिए होंगी एंट्रीज के लिए? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे ही जैसे किए हम। जी सर जी, प्रोसेस है डेबिट मटेरियल एंड कन्वर्जन क्रेडिट 15760। मटेरियल क्रेडिट बाय 10,000। अब ब्रेकअप नहीं है लेबर ऑपरेट्स का, तो कन्वर्जन क्रेडिट 5760। डेबिट साइड पे आ रहे हैं, सॉरी क्रेडिट साइड, प्रोसेस नहीं, वो गेन एक सेकंड थोड़ा, जस्ट अ मिनट, गेन भी करते हैं। प्रोसेस बी डेबिट, प्रोसेस ए क्रेडिट 15660। अब मैंने जरा नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन की सोच, इनिशियल एंट्रीज पोस्ट करने में आपको नजर आ जाएगा। नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस ए क्रेडिट 125, ठीक है। अब नॉर्मल गेन वाली एंट्री बोल के शुरू करें, प्रोसेस ए डेबिट अब नॉर्मल गेन क्रेडिट बाय रुपीस 218। अब दो एंट्रीज छुपी हुई है जो आपको तभी सही नजर याद आ सकेंगी, आप दो लेजर्स बनाए नॉर्मल लॉस का और अब नॉर्मल गेन का। नहीं वो मेरा ख्याल जरा रिवाइज कर रहे थे, दो एंट्रीज और हो सकती हैं यहां से, लेकिन नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन अकाउंट बचपन जहन बनाए, प्रोसेस कॉस्टिंग का बचपन, ट्रांसफर करके एंट्रीज लिखे। नॉर्मल लॉस डेबिट, अब इसमें यूनिट्स की भी जरूरत पड़नी है ताकि आप बात सही से फॉलो कर सके लेजर में पोस्टिंग करते हुए। नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस ए क्रेडिट 218। ये किसी को कुछ याद आ रहा है, ये काम कभी जिंदगी में हुआ है? क्वेश्चन 1-2 में यार, तो सर 1 में भी हुआ है यार, ध्यान दे, मैं दिखा देता हूँ आपके रजिस्टर में से दिखा देता हूँ। ये सर इकट्ठे हैं, आइए दोबारा एक दफा रिवाइज करें यार, एक दफा पुरानी बहस। ये दोनों लेजर देखिए, अगर बना लिए मुझे एक्चुअल लॉस बताएं। एक्चुअल लॉस वो कैसे? वैसे ही जैसे आप कैसे करें, वैसे ही नॉर्मल लॉस की डेबिट साइड देखें बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें, नाश्ता अपनी जगह ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज साथ साथ नाश्ते के साथ साथ काम भी तो होना चाहिए। नॉर्मल लॉस डेबिट साइड पे एक्सपेक्टेड यूनिट्स लिखे हुए,
नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स बस बिक सकेंगे? आता कुछ याद? तो कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट करना मैंने, लेकिन कितने से करूं? 1000 यूनिट होंगे और एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू एक्चुअली कितनी मिलेगी? तो ये 100 बन जाएगा। 100 कैसे बन जाएगा? तो 1 लाख बन रहा है, थाउजेंड्स में 100 बन गया। व्हाट इज दिस 1100? एक्चुअली जो यूनिट हम बेच सकेंगे, अब ये भी एक एंट्री है, वो भी लिख लेते हैं। क्या एंट्री? वैसे ही कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। देन माय डियर, आपको अगर याद आ जाए तो मैंने आपसे कहा था नॉर्मल लॉस अकाउंट इंशाल्लाह हमेशा बैलेंस हो जाएगा, एक्सेप्ट ओनली व्हेन देयर इज अबनॉर्मल गेन। अब ये नॉर्मल लॉस अकाउंट बैलेंस करें, 250 यूनिट्स और 25,000, ये क्या है उबैद? ये वो है जो आपके जहन में आ रहा है? नहीं नहीं, नो प्रॉफिट लॉस, बहुत प्रॉफिट लॉस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस स्टोरी? ये वो 25,000 रुपया है जो हम कमा सकते थे अगर नॉर्मल लॉस पूरा 1250 होता। इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल लॉस। ये हम नहीं कमा सके, क्या हो जाने की वजह से ये नहीं कमाया जा सका, तो इसका रेफरेंस अभी क्या होता था? एबनॉर्मल गेन लिख के डबल एंट्री करनी है। 218 क्या है? 218 गेन की अमाउंट है, लेकिन 25 वो अमाउंट है जो हम इस गेन की वजह से कमा भी नहीं सके, तो इनको आपस में नेट करके प्रॉफिट लॉस को निकाल। ये देख लें कहानी, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 1 में अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस वाला लेजर, नॉर्मल लॉस वाले लेजर मैंने मैंने कोई प्रॉफिट लॉस नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल लॉस के लेजर में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, उसमें अगर कोई बैलेंसिंग फिगर है तो अबनॉर्मल गेन की है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, वहां भी देखें, सिर्फ नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं। नॉर्मल लॉस के लेजर में अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो सिर्फ एबनॉर्मल गेन की वजह से आएगी, और एबनॉर्मल गेन के लेजर में फिर वो ट्रांसफर होकर नेट अमाउंट प्रॉफिट लॉस हो जाएगी। इस लेजर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस ओनली, नॉर्मल लॉस ओनली, नो एबनॉर्मल गेन। वो ठीक है, वहां से नजर आ रहा है, नीचे जा रहा है, नो एबनॉर्मल लॉस, जस्ट नॉर्मल लॉस ओनली, नो P&L। क्वेश्चन नंबर 1-2 मिला किसी को? बोले डबल एंट्री, एबनॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, हाउ मच? 250 एंड 25। अगर आप वर्किंग ठीक करेंगे तो एबनॉर्मल गेन में यूनिट्स मैच कर जाएंगे और डिफरेंस सिर्फ अमाउंट्स का रह जाएगा, वो फिर प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। 193 था शायद, ठीक है। तो ये वो नेट गेन है, तो प्रॉफिट लॉस में जा रहा नेट गेन। अब यहाँ कुछ एंट्रीज रही है फर्दर हमें, कितनी? 3 कैसे बोली आपने? एक कैश की, एक अबनॉर्मल गेन की, और उसी का दूसरा फैक्ट यहाँ है। फिर अगर आपने प्रॉफिट लॉस वाली लिखनी है तो ठीक है, आपकी मर्जी। तो लिखें जी, कौन कौन सी और एंट्रीज मिली? कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट बाय 100 हो गए, 20 एंट्रीज होती, और एबनॉर्मल गेन डेबिट, एबनॉर्मल गेन डेबिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, सॉरी एबनॉर्मल गेन डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट 25। और फिर अगर लिखना है तो लिखा जा सकता है, वैसे एबनॉर्मल गेन डेबिट, लास्ट जो बना प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। ये मारे यहाँ से वाली इतनी ऐसे कंपलसरी वाली बेस में, किसकी तो यहाँ किसी इसके मॉडल थी नहीं ना, इसकी इसकी ना करें, इसकी ना करें, इसकी ना करें, इसकी रहने दें। ये सब्जी वसूलन तो घर के लिए होमवर्क बनता है काफी सारा, लेकिन हमने करना नहीं, इसका फायदा नहीं है, अच्छे बड़े सवाल भी जाया हो जाने, लेकिन एक कम अज कम बनता है ताकि मेरा टाइम जरा कल एक और मेजर सवाल परसों लग जाए। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रखे साथ, क्वेश्चन केएस बाय 5 कल है, कल का टाइम निकालें, घंटा डेढ़ केएस। क्वेश्चन नंबर 9
बाय 54 जो क्लास के स्टार्ट में बात हुई थी, और इसी पेज नंबर 63 पे एक क्वेश्चन नंबर 2 जरा कर कोशिश करिए, समझ आ गया कौन कौन सा कह रहा कौन सा तो करके रिवाइज करना, रिवाइज करना कोई ना कोई टेस्ट होना चाहिए। जी सर, जी रावी डिपार्टमेंट थी, अब ये मंडे का फाइनल ही आपको नहीं, वो सही बात है, मुझे अब इस वक्त जरा सफिशिएंट टाइम नहीं, इंशाल्लाह फिर करते हैं। इंशाल्लाह बेटा मंडे को मुलाकात होगी, मुझे पता वैसे आप कल आना चाह रहे हैं, लेकिन मंडे को सही, अल्लाह।